और देश भर के पावर प्लांट इन दिनों कोयले की कमी की वजह से पावर उत्पादन में कमी करने का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोयले में घोटाले का मामला भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीसीसीएल और एमपीएल में जा रहा कोयला बदल दिया जा रहा है। ताजा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमाघाटा का है, जहां शर्मा एंड सन्स पिता पुत्र की जोड़ी ने अपने निजी डिपो में एमपीएल जाने वाले हाईवा से अच्छी क्वालिटी का कोयला अनलोड कर लिया और उसमें रिजेक्टेड कोयला उतनी ही मात्रा में डालकर एमपीएल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और बीसीसीएल की साख पर भी बट्टा लगाने का काम किया था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय पुलिस ने उक्त डिपो में छापेमारी कर एमपीएल के दो हाईवा को अनलोड करते पाया। ड्राइवर से पूछताछ की गई, बाद में ड्राइवर ने पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा किया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए हाईवा के नंबर प्लेट को मिट्टी से लेप दिए जाने का भी खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक मालिक सौरभ सिंह, डिपो संचालक रोहित शर्मा, प्रवीण शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। एक डिपो है आमाघाटा में, जो रोहित शर्मा और प्रवीण शर्मा जो पिता पुत्र हैं, दोनों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें एमपीएल में जो है एमपीएल में जो कोयला जाती है उसको रोक करके उसमें उतनी ही मात्रा में अनलोड किया जाता है जो बेहतर कोयला है, जो कोयलेरी से लोड रहता है, और डिपो में जो भी रिजेक्टेड कोयला है उसको उतनी ही मात्रा में मिक्सिंग करके पुनः उसको गंतव्य स्थल जो है मल्टन पावर लिमिटेड में भेज दिया जाता है। इस तरह की सूचना के क्रम में परसों शाम में दो हवा जो वहाँ डिपो के अंदर घुसाया गया था और जिससे अनलोड कर मिक्सिंग की प्रक्रिया की जा रही थी, जिसे मेरे द्वारा पकड़ा गया था, उसी संबंध में ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रवीण शर्मा इसमें और रोहित शर्मा मूल रूप से संलिप्त हैं, और गाड़ी जो है परिवहन किया जा रहा था संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा।